क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के साथ हुए मैच में अचानक मैदान पर ही गिर गए और हार्दिक पांड्या को स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। कुछ देर बाद ही बीसीसीआई की तरफ से हार्दिक पांड्या के हेल्थ पर अपडेट भी जारी किया गया, जिसमें बीसीसीआई ने ट्वीट कर कहा कि हार्दिक पांड्या अब खड़े हो पा रहे हैं, मेडिकल टीम उन्हें देख रही है और हार्दिक पांड्या की जगह पर मनीष पांडे मैदान में फील्डिंग कर रहे हैं। तो अब हार्दिक पांड्या की हालत कैसी है और क्या हार्दिक पांड्या एशिया कप के अगले मैच खेल पाएंगे या नहीं, इस पर हम आपको लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। हार्दिक पांड्या की हालत में अभी भी बहुत ज्यादा सुधार तो नहीं है, लेकिन पांड्या अब खड़े होकर चल फिर पा रहे हैं। मेडिकल टीम पांड्या के रिहैब के लिए जुटी हुई है। हालांकि बीसीसीआई ने अब तक पांड्या की जगह पर किसी और खिलाड़ी को एशिया कप के लिए यूएई नहीं भेजा है, तो ऐसे में संभावना यही है कि हार्दिक पांड्या कुछ दिन के आराम के बाद ठीक हो जाएंगे। बीसीसीआई के अधिकारी का कहना है कि पांड्या को कोई चोट नहीं लगी है, उनकी कमर में क्रैम्प आ गया है जिसका इलाज चल रहा है और आराम के बाद पांड्या बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 21 सितंबर को होने वाले मैच में हार्दिक पांड्या आराम करेंगे, लेकिन 23 सितंबर को होने वाले पाकिस्तान वाले मैच में हार्दिक पांड्या बिल्कुल फिट हो जाएंगे और एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में खेलने जरूर उतरेंगे। तो आप भी दुआ कीजिए हार्दिक पांड्या जल्दी ठीक हो जाएं और अगले मैच में पाकिस्तान को नाखून चने चबवाने के लिए मैदान में उतरने के लिए फिट हो जाएं। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।